हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल अनवर टेलर में। आज हम जींस कुर्ता का स्टिचिंग करना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जींस कुर्ता कैसे स्टिचिंग किया जाता है। देखिए ये हमारा अंदर का पट्टी है, हमने इसको एक पैर का सिला करके हमने इसमें 1.25 इंच चौड़ा कटिंग कर दिया है। और ये हमारा जो हमारा पट्टी ऊपर रहेगा ये है दोस्तों, हमने परस करके रख दिया है। इस प्रकार दोनों को बराबर कटिंग करके आप रख दें। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए, तो आप सीटिंग भी करना चाहें तो ये देखिए हमने मार्का लगाया है, ये हमारा उल्टा साइड हो गया, तो हम इसको उल्टा साइड बना देंगे। और इस प्रकार हम यहाँ पे राइट साइड मतलब सीधा साइड बना देंगे जिसमें हमारा चाक का निशान नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सिलाई का काम अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। देखिए, इस हमने ये ताबीज़ की पट्टी जो लिया है तो 10.5 या 10 इंच ले लें, अगर बच्चे का है तो 9.5 इंच ले लें। और इस प्रकार हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर ऐसे निशान लगा देंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद हम इस प्रकार थोड़ा चीरा करेंगे, यहाँ पे 2 सूत इस साइड कर देंगे और जहाँ पे हम निशान लगाए थे वहाँ पे सेंटर में ले आकर लगा देंगे। 2 सूत यहाँ से हटा के चीरा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 मिनट में आप ये तो बड़े आसानी से बन जाएगा पूरा। अगर आप मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपका मिक्स हो सकता है, आप नहीं पूरा सीख पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको निकाल के फेंक देंगे और हम यहाँ पे एक नोच लगा लेंगे तो कि हमारे ये पलटने में आसानी रहेगी। अब इस प्रकार हम अंदर कर देंगे इसको, अंदर करने के बाद यहाँ पे हम लब का सिलाई लगाएंगे। हम लब का सिलाई लगा देंगे दोस्तों पूरे में। इस प्रकार हम एक बार में इसको पकड़ लेंगे। देखिए वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों किस तरह स्टिचिंग होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हम सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ हम डबल सिलाई लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, डबल सिलाई लगा दिए ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इस प्रकार इसको रख देंगे। देखिए हमारा उल्टा साइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उल्टा साइड को कच्चा होता है, ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड को कच्चा होगा। आप इस प्रकार स्टिचिंग करें, ये भी ध्यान रखें कि किस पार कच्चा करना पड़ता है। तो ये हमारा उल्टा साइड कच्चा होगा, पलट कर ऐसे इस पार से सीधी साइड जाएगा दोस्तों पलट करके। तो अच्छी तरह हम टाँगी बांध देंगे क्योंकि हमारा खुले ना। और हम कहाँ तक सिलाई लगाए हैं, देखिए हमारा यहाँ तक सिलाई लगाया है, हम जहाँ तक कटिंग किए थे उसके बराबर, उससे ज़्यादा नीचे नहीं किए हैं। देखिए हमारा ये कपड़ा, हम ये हमारा अंदर का कपड़ा है, इस तरह से कट करके हम फेंक देंगे इसको। और देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हम नोच लगा लेंगे और आ गया हमारा सीधा साइड। ये हो गया सीधा साइड हमारा। इस प्रकार आप चाहो तो यहाँ पे लब का सिलाई लगा सकते हो, आप अगर चाहे तो हाफ पैर का भी लगा सकते हो, आपका इच्छा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो सिलाई लगा सकते हैं आप। बहुत बंदे यहाँ पे गुम सिलाई भी लगाता है, तुरपाई वाला सिस्टम भी कर देता है, तो आप अगर उसको आप तुरपाई वाला सिस्टम पसंद है तो आप तुरपाई भी कर सकते हो।
देखिए काम करने का, देखिए दोस्तों सबका थोड़ा अपना अपना अंदाज होता है, आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे आप उस हिसाब से कीजिए। देखिए दोस्तों बड़े आसानी से हमारा ताबीज़ बन गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बड़े आसानी से हमारा ताबीज़ बन गया है दोस्तों। ये देखिए इसमें थोड़ा सा भी बट लगेगा आपको, ये प्रेस में ये पीस हमारा बैठेगा क्योंकि कपड़ा ये सिल्की है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिलाने के समय में उतना क्लियर नहीं आता है, और उसके बाद हमारा पीस प्रेस में टूटेगा, प्रेस में बैठेगा। अब हम इसमें बैक फ्रंट को जोड़ेंगे। ठीक है, बैक फ्रंट को जोड़ने का क्या तरीका है, तो ये हमारा सीधा साइड है तो हम सीधा साइड को नीचे रख देंगे। देखिए दोस्तों सीधा साइड नीचे रख दिए, उल्टा साइड ऊपर रख दिए, और जो ये हमारा फ्रंट है फ्रंट को हम सीधा साइड ऊपर रख देंगे, और इस प्रकार हम लपका सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि हमें ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उस प्रकार आपको सिखा रहे हैं। देखिए सीधा साइड हमारा ऊपर है और एक सीधा साइड हमारा नीचे है, और यहाँ पर लपका सिलाई इसे जोड़ देंगे, लपका लगा के आप जोड़ दीजिए इस प्रकार। ये हमारा जॉइन हो गया। अब हम इसको इस प्रकार जॉइन करेंगे। देखिए इधर से हम जॉइन मारेंगे। अब हम अब इसको इस प्रकार से जॉइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डबल सिलाई है, हमको अब इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा हेवी हो गया दोस्तों, ये बड़ी ये काफ़ी मजबूती हो गया। इस प्रकार हमने आपको ये हमारा जो फुसरा था उसमें हमारा अंदर चला गया। ये देखिए हमें ये हमारा उल्टा साइड हो जाएगा, ये हमारा सीधा साइड हो गया, तो ये जो फुसरा है इसको उसका वो अंदर चला गया। अब इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों वीडियो हो सके लंबी हो सकता है, तो आप घबराइए नहीं। आपको अगर काम सीखना चाहते हैं थोड़ा टाइम गुजारना पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे इतना आसानी से कोई भी काम नहीं होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार हम इसमें पैर का सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार हम पैर का सिलाई लगा देंगे और तो देखिए दोस्तों इस प्रकार हमारा बैक फ्रंट अटैचिंग हो चुका है। हमारा बैक फ्रंट और ताबीज बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसका खर्चा तैयार करना सिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेन तो खर्चा है तैयार हो चुका है, तो हमारा खर्चा है हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि खर्चा भी तैयार करना ज़रूरी है, इधर उधर गड़बड़ा जाता है, कभी कभार खो जाता है खर्चा, तो पहले हम खर्चा को तैयार करके रख देंगे दोस्तों। खर्चा तैयार करके रख दोगे अभी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा कॉलर है, इस प्रकार हम इसको सिलाई देंगे एक पैर का। इस प्रकार हम सिलाई देंगे। ये हमारा सीधा साइड था तो हम सीधा साइड को सिलाई दिए, ये हमारा गोलाई साइड है तो हम इस प्रकार अब इसको कॉलर को रेडी कर देंगे। हमारा देखिए दोस्तों इतना चौड़ा है, लेकिन जो हमारा कस्टमर है उसका साइज है, उसका शौक है दोस्तों चौड़ा पहनने का, तो इसलिए हम चौड़ा कटिंग किए हैं। लेकिन ये जेंट कुर्ता में या पिरान में एक सवा इंच का कॉलर लगता है, तो हमने ये 1.5 इंच का कॉलर लगा दिया है, क्योंकि हमारा कस्टमर का मांग था
कि हाँ हमको चौरा कॉलर पहनना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम इसको ओवर के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस प्रकार हम कटिंग कर लेंगे। और कॉलर किस कॉलर किस तरीके से हम सेटिंग करें देखिए, इस तरह आप सब नाखून मार लें। देखिए इस प्रकार आप नाखून मार लें और इसको एक पैर का मार्जिन दे के कटिंग कर देंगे। कॉलर चलाने के समय में हमारा ये काम आएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कर देंगे उसमें भी दिक्कत आ जाएगा, अगर कम कर दोगे उसमें भी दिक्कत आ जाएगा। तो अब एक पैर का मार्जिन लीजिए जितना आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार इसको बीच में नोच लगा के रख देंगे, हम बीच में नोच लगा के इसको रख देंगे। अब ये हमारा कफ है, जो हमारा ये कुर्ता है दोस्तों ये कफ वाला बनेगा। देखिए हम इस साइड को पैर का सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों, किसी किसी जेंट्स कुर्ता में पिरान में नहीं लगता है कफ, लेकिन अब कोई बंदा ऑर्डर करता है कफ लगाने के लिए। तो देखिए इस प्रकार हम कफ की स्टिचिंग करेंगे। आप गौर से देखिए वीडियो को, वीडियो गौर से देखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। नहीं तो पता चला आप वीडियो देख रहे हैं आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर इसमें आपका गड़बड़ हो सकता है। फिर इसमें आप बोलोगे कि हमें शायद काम ही गलत सिखाता है। नहीं दोस्तों, काम बिल्कुल सही है। आप अपना थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिए, एक बार में समझना है कि दो बार देखिए। देखिए दोस्तों इस तरह कपड़ा है, इस प्रकार हम कट कर लेंगे। इस प्रकार हम कट करने के बाद इसी तरह हम एक पैर का यहाँ पर भी मार्जिन लेकर कटिंग कर देंगे। इसी प्रकार हम देखिए दोस्तों, कप तो हमने आपको बता दिया, एक कप करके दिखा दिया, दूसरा कप आप उसी प्रकार तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप पॉकेट हमारा है, पॉकेट है कि हम पॉकेट में 6 इंच का निशान लगाए थे, 6 इंच का निशान लगाए थे पॉकेट का, तो यहाँ हम 6.5 इंच का निशान लगाए। ये बात याद रखना दोस्तों, पॉकेट का मुंह आप जितना रखे हैं वो ध्यान रखना, उससे आधा इंच 19.5 का करें या 20 का कर दें, इस प्रकार आप कर दें। यहाँ से कपड़ा हमारा 6.5 इंच ऊपर है, इस प्रकार हम थैली बना देंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार हम थैली को बना देंगे और हमने अपने पॉकेट में यहाँ सेंटर में निशान लगा देंगे। सेंटर का निशान इस प्रकार लगा देंगे और पॉकेट को हम पलट देंगे। अभी इस प्रकार इसी प्रकार हम दूसरे पॉकेट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरे तो देखिए दोस्तों इस प्रकार हम अब अपना बाजू बनाएंगे। बाजू इस प्रकार बनाएंगे, ये हमारा उल्टा साइड है तो हम इसको इस साइड इसको मोड़ देंगे, मतलब एक पतला पट्टी बना के हम इस प्रकार मोड़ देंगे, इसमें एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अगर सिलाई करना चाहते हैं दोस्तों हिम्मत कीजिए, सिलाई तो सिलाई करने वाला बंदा तो बहुत है, लेकिन कटिंग और सिलाई बहुत कम बंदा करता है दोस्तों। तो हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यकीनन आप कटिंग मास्टर कटिंग और सिलाई करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों हिम्मत कीजिएगा तो आप भी सीख सकते हैं, आपका भी सपना पूरा हो सकता है, आप भी अपने गांव देहात में काम कर सकते हैं, दूसरे के गांव में दूसरे के शहर में जाके आप मजदूरी करते हो, आपका कोई इज्जत नहीं है दोस्तों। आप यही काम अपने गांव में कीजिए, आपका अच्छा होगा, आप बढ़िया लगेगा। ये देखिए दोस्तों,
तो इस प्रकार हम इसको कच्चा करेंगे, वो उल्टा साइड ही कच्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, बाजी हमारा जवाबी होना चाहिए। देखिए हम इसको इस तरफ मोड़ दिया हूँ, इसको इस तरफ मोड़ दिया हूँ, ये हुआ जवाबी। बाजू में राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है दोस्तों, आप देख भी सकते हो। और इस प्रकार हम इसको यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, उसके बाद इसको कटिंग कर देंगे और इसको भी हम इस तरह से अटैचिंग कर देंगे। देखो इसको इस तरह से सेटिंग करके रखा है हमने, कटिंग करके सेटिंग, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस प्रकार हमने सेटिंग करके रखा है और यहाँ से हमने फिर से इसी प्रकार हमने कच्चा कर देंगे। दोस्तों देखिए बाजू बनाना सीख लीजिए, ये हमारा स्टाइल है, हम अपने स्टाइल में बाजू बनाना सिखा रहा हूँ। और नहीं तो यूट्यूब में हज़ारों तरीका है, आपका ऐसा ऐसा तरीका बताएगा कि आपका दिमाग कन्फ्यूज, आप काम नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, तो हमने इस प्रकार पहले ये कपड़ा कटिंग कर लेना है, तब जाके हमारा सेटिंग बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। दोस्तों ये देखिए, इस प्रकार हम इसको जैसे हमने ताबीज़ बनाया था दोस्तों, इसमें आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है, और कपड़े वाले में थोड़ा दिक्कत होता है, बिगनर्स आदमी नहीं बना पाता, इसमें दिक्कत हो जाता है उसको। तो ये देखिए, इस प्रकार हम कपड़े को लेंगे, ये देखिए इस तरह रखेंगे हम, कोना उसका सही से उठा देंगे दोस्तों, ताकि देखने में हमारा खूबसूरत लगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जहाँ तक हमारा ये जॉइन है, देखिए जहाँ तक हमारा ये जॉइन है हम वहीं तक सिलाई लाएंगे, ठीक है दोस्तों, जहाँ तक हमारा जॉइन है। जॉइन से एक दूसरे आगे लाएंगे, जॉइन से एक दूसरे, आप यहाँ डबल सिलाई लगा दें, डबल सिलाई बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखिए हम बाजू का पट्टी बना दिया हूँ, देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस प्रकार हम दूसरा भी बना लेंगे, देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने बताया। कटिंग करने के बाद सीधा साइड लाएंगे, सीधा साइड लाने के बाद हम सेम टू सेम जींस जैसे कुर्ते के हमने सामने की पट्टी बनाया दोस्तों, उसी प्रकार हमारा ये पट्टी बनेगा। निकालिए कोना, अगर आप सही से निकालेंगे तो पीस देखने में अच्छा लगता है। ये हमारा सिल्किन कपड़ा है, तो थोड़ा सिल्किन कपड़ा में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सिल्किन परफेक्ट नहीं आता है। जो हमारा सूती कपड़ा है तो उसमें थोड़ा सीने का कुछ अलग मज़ा है, इसमें कुछ अलग मज़ा है। तो ये देखिए हम इस सिलाई को ऐसे नाप लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था उसी प्रकार हम भी इसको भी हमने इतना उतना ही बड़ा ताबीज बनाएंगे और उसके सेम ही सिलाई लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये मेरा तरीका है, हम अपना तरीका यूट्यूब पर बताता हूँ। मैं सोचता हूँ जितना सरल तरीका होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सरल तरीका बताओगे तभी तो आप काम सीख पाएगा बंदा सब। देखिए दोस्तों ये हमारा, हम बाजू का सेंटर में निशान नहीं लगाए थे, अब तो हम सेंटर में निशान लगा देते हैं। ये देखिए सेंटर में निशान लगा दिए, तो ये हमारा बैक की तरफ है, तो ये हमारा फ्रंट में जो ये हमारा पट्टी है ये बैक की तरफ रहता है, ये फ्रंट है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शेप दे देंगे फ्रंट की साइड। देखिए अलग से थोड़ा कटाई कर देंगे, इसी तरह दूसरे बाजू में भी इस तरह करेंगे, दूसरे बाजू में भी करेंगे। यहाँ पे पहले हम कुटका लगा देंगे, कुटका लगाने के बाद ये हमारा बैक को आएगा, फ्रंट उधर है, तो हम थोड़ा सा ऐसे इस तरह से शेप दे देंगे, हो गया। अब हम बाजू अटैचिंग करेंगे। देखिए दोस्तों बाजू अटैचिंग करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप इस तरह से पकड़ लीजिए, दोनों को पकड़ लीजिए और यहाँ पे जहाँ सेंटर आ रहा है वहाँ पे एक नोच लगा लीजिए,
ठीक है दोस्तों, नोच लगाने के बाद आप अपना बाजू उठाइए और देख लीजिए ये हमारा किस वाला किधर वाला, ये हमारा बाजू गलत है, हम इसको लेंगे। देखिए ये हमारा बैग है, तो ये हमारा बैक साइड आता है और उल्टा साइड ऊपर होना चाहिए। ये देखिए उल्टा साइड ऊपर, हम अपना सेंटर मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सेंटर मिलाएंगे और बाजू चलाना सेंटर से शुरू करेंगे। सिविल लाइन का यही खासियत है दोस्तों, बाजू आप कहीं भी चलाइए, आप कारीगर हैं या फिर किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप बाजू सेंटर से चलाइए। सेंटर से चलाने का मैं फ़ायदा बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सेंटर से बाजू चलाने का ये फ़ायदा था, हमने थोड़ा बाजू बड़ा काटा था, देखिए हमारा बाजू इधर थोड़ा बड़ा हो गया, हम इसको कट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा थोड़ा आगे को भी बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, तो हम अभी इस प्रकार बाजू चलाएंगे क्योंकि हमारा बाजू क्लियर आना चाहिए। अगर हमारा बाजू बड़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड बड़ा हो जाएगा, थोड़ा उस साइड हुआ था, देखिए थोड़ा इस साइड भी हो गया। अगर छोटा होता तो थोड़ा उस साइड भी होता, थोड़ा इस साइड भी होता, तो बाजू हमारा कंप्लीट आ जाता दोस्तों। तो अभी इस प्रकार ही बाजू अटैचिंग करें, इस प्रकार अटैचिंग करने से फ़ायदा है। तो इसी प्रकार हम अब अपने दूसरे साइड का बाजू चला देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बाजू चला दिया दोनों साइड का, एक साइड का हमने आपको चला के दिखाया था, दूसरा साइड हम बोले थे कि जैसे हमने चलाया वैसे चला लीजिएगा। तो हमने बाजू चला के दिखा दिया आपको, और इस प्रकार हम यहाँ पे पैर का सिली लगा देंगे। एक बाजू इसलिए चला के दिखाया दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बाजू तो दोनों सेम चलता ही है, बस पहला वाला बाजू है जवाब मिला के चला दीजिए, बस हो गया। पहला बाजू जो है जवाब मिला के चलाइए, जो ये हमारा पट्टी वाला साइड है, ये हमारा बैक साइड आना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बैक साइड आना चाहिए, यही जवाबी है। ये पहला वाला बाजू इस प्रकार आप मिला दीजिए, हो गया। दूसरा बाजू ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि आप जवाबी अगर तैयार किए हैं तो मिल जाएगा। तो दोनों साइड हम पैर का सिलाई लगा देंगे, वीडियो हमारा बस लेट क्लिक अब रह गया है, उसके आगे क्या होगा बस वीडियो थोड़ा जरूर है, और ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा आपका, जल्दी से जल्द होने वाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सिलाई लग गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो जो हमारा अब साइड में जो है, हम इसका दामन को मोड़ेंगे। जैसे ये हमारा पॉकेट का मुंह है, ये हमारा पॉकेट का मुंह है, इस प्रकार हम मोड़ देंगे एक ही सिलाई में। अब वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम इसको मोड़ देंगे। ये हमारा पॉकेट का मुंह है दोस्तों, तो ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ा था तो 2 इंच छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ जो हमारा ये निशान था, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए एक ही सिलाई में लगा देंगे, पक्की कर देंगे, क्योंकि हमने अगर पैर का सिलाई लगाया है। ठीक है दोस्तों, कैसे लगा रहे हैं दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने इस साइड अभी लगा दिया है, इस साइड लगाने के बाद पहले हम फिर दूसरी वाली साइड लगाते हैं। अभी हम सिलाई नीचे नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी नीचे हम लास्ट में लगाएंगे इसको सिलाई लगाने के बाद। देखिए इस प्रकार है, हमने सिलाई लगा दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए हमारा पॉकेट का मुंह है, पॉकेट का मुंह यहाँ भी सिलाई लग जाएगा। अब हमारा बारी है सिलाई नीचे लगाने का, नीचे दामन में। ये हमारा जैसे निशान हम जैसे हम सिलाई मार रहे हैं वैसा आप सिलाई मारने की कोशिश कीजिएगा, आपका पीस बिल्कुल ठीक आ जाएगा।
बट ना आ जाए, अगर थोड़ा बहुत बट आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ये हमारा अंदर रहेगा, अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बट ना है कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बट आएगा। जैसे हमने एक पल्ले में आपको, तो देखिए दोस्तों अब हमारा बारी आया साइड लगाने का, साइड में सिलाई लगाने का बारी आ गया दोस्तों। तो साइड में सिलाई लगा सकते हो, अगर आप चाहे तो पहले कॉलर भी लगा सकते हो, तो हम पहले कॉलर लगा देते हैं। साइड में सिलाई लगाने से पहले कॉलर लगा देते ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सुविधा होता है। इस प्रकार पकड़ दिया, पकड़ने के बाद देखिए बीच में इस प्रकार बीच में से दोस्तों, तभी आप टेलर बन सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि हमने आपने आधा याद कर लिया, आधा वीडियो देख लिया, आप टेलर बन गए, ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट मेहनत से देखोगे दोस्तों तब होगा दोस्तों, क्योंकि जो बंदा वो उस्ताद के पास जाकर काम सीखा है, उसके दिल से पूछिए कितना मेहनत से काम सीखना पड़ता है। आप अगर एक एक पॉइंट अगर नहीं सीख पाएंगे तो आपका गलत हो सकता है ना, पीस ख़राब हो सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप होजरी लाइन से कंपनी लाइन से अगर टेलर हैं, तो पहले आप अपना खुद का कपड़े में ट्राई कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा पुराना हो जाइए, उसके बाद कस्टमर का कपड़ा में ट्राई कीजिए। हमने अपना कॉलर इस प्रकार हमने कॉलर को अपना पक्का कर देना है, ठीक है दोस्तों। हमारा कॉलर तैयार हो चुका है, ये हमारा सीधा साइड है, इसी ही सीधा साइड रखिए। अब वहाँ आता है, लीजिए 8.5 का आधा कितना होगा, ये देखिए दोस्तों 8.5 का आधा होता है 4.25 इंच। देखिए 4.25 इंच का निशान लगाएंगे और 4.25 इंच का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे, क्योंकि हम बाजू में थोड़ा प्लेट डालेंगे, क्योंकि बाजू को प्लेट डालने से हाथ वो हाथ के पास बाजू के पास टाइट नहीं होता है, नहीं तो आप प्लेट अगर नहीं डालेंगे तो टाइट हो सकता है। अगर आप प्लेट वाला नहीं पहनना चाहते तो उसका कफ आपको थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा, दोनों में से एक बढ़ाना ही पड़ेगा। कपड़े को सिल ले, साइड लगा ले। देखिए दोस्तों हमारा कपड़ा अब मुकम्मल होने वाला है, अब ज़्यादा देर नहीं लेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और टोपी लगाएंगे। देखिए हम इसमें आपको टच बटन भी लगाना सिखा देंगे कि टच बटन किस प्रकार लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। टच बटन भी लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमारा कस्टमर का मांग है कि टच बटन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए किस प्रकार साइड लगाया है, आप भी इस प्रकार साइड लगा दें, और ये दूसरी साइड सवा 4 इंच, फिर 1/2 इंच का निशान लगा देंगे, और ये जो निशान लगाया तो ये हम आपको सभी बता दिए कि हम चुन्नट डालने के लिए कफ में बहुत अक्सर बंदे का होता है चुन्नट होता है, और चुन्नट वाला बाजू सही रहता है। आप अगर कुछ काम हासिल करना चाहते हो, कुछ मुकाम अगर आपको हासिल करना है, तो आपको बड़ा प्यार से देखना पड़ेगा दोस्तों, बड़ा ध्यान से, क्योंकि इतना आसानी से नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है। आप मेहनत कीजिए, वीडियो से जुड़े रहें, कोई दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, हम उसका उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के फिर बताएँगे, उसके हिसाब से आपको समझा देंगे, जवाब दे देंगे।
तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमने साइड पॉकेट पे जाके पहुंचा है। साइड पॉकेट देखिए इस तरह से, इस प्रकार रख करके हम इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ सेंटर मिला के यहाँ तक सिलाई लगा देंगे दोस्तों। ये है साइड पॉकेट लगाने का आसान तरीका। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। इस प्रकार हम इसको रख देंगे। थोड़ा हम यहाँ पे चाक का निशान लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा चाक का निशान लगाएंगे यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे सेंटर का निशान, और यहाँ पे हम आधा इंच निशान लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे हम मार्जिन लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार आप जेंट्स कुर्ता की स्टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप यहाँ पर थोड़ा देखिए ध्यान से यहाँ बराबर कर लीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से मोड़ लीजिएगा, इस तरह चेक कर लीजिए हमारा पॉकेट सही बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। इसी प्रकार हम दूसरे साइड का पॉकेट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आज आपको टच बटन भी लगा के दिखा रहे हैं। टच बटन में चार हिस्सा होता है दोस्तों, चार टुकड़ा मिलके एक बटन तैयार होता है। ये देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर रहता है, तो इसके साथ हमारा ये वाला ज्वाइन होता है, ठीक है दोस्तों, ये वाला। और दूसरा बटन हमारा इस प्रकार तैयार होता है, ये और ये देखिए दोस्तों, चारों अलग अलग को है। तो हम देखिए इस प्रकार एक लगा के दिखा रहे हैं, आप समझ जाइए। देखिए इस प्रकार हम इसको लगा के दिखा रहे हैं, इस यहाँ पे हम इसको इस तरह से डाल दिए। देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से डाल दें क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, हमारा जो है देखिए ये वाला पार्ट जुड़ेगा, हमारा ये वाला पार्ट लगेगा। देखिए आप इधर से खांचा साइड है, तो ये खांचा है हमारा, तो ये नोक जो है हमारा, ये नोक जो भी हम नोक दिखा रहे हैं, ये नोक हमारा खांचा में घुस जाएगा, तो इसीलिए बैठ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो हम अपना डाई लेंगे, तो हमारा दो किस्म का डाई होता है। तो ये होता है, ये हमारा देखिए, ये हमारा गड्ढा वाला डाई है। देखिए ये डाई हमारा गड्ढा है, तो हम ये गड्ढा वाला, ये ऊपर को भगा हुआ है और ये हमारा गड्ढा वाला डाई है। तो हम ये गड्ढा वाला डाई लगाएंगे इस प्रकार, और इस तरीके से हम किसी हथौड़ी या कैंची के सहारे से इस प्रकार ठोक देंगे। तो ये हमारा बटन तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा पार्ट हमारा, यहाँ पे कोई निशान लगा देंगे, कोई निशान लगा देंगे इस प्रकार। अब हमारा दूसरा पार्ट किस प्रकार लगेगा, ये जो ये कांटा वाला सिस्टम, ये हमारा नीचे रहेगा। देखिए इसको भी बड़ी आसानी से और मेहनत से थोड़ा फंसा देंगे प्यार से इसको। इसका हर एक कांटा बाहर आ जाना चाहिए दोस्तों, तभी हमारा बटन पकड़ होगा। इस प्रकार बिठा दिया, और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बटन सीधा साइड रहेगा, और ये हमारा ये जो है, ये देखिए ये खांचा साइड है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा किनारे किनारे खांचा साइड है, वो गड्ढा साइड है, और ये हमारा गड्ढा साइड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा गोलाई टाइप कटोरी सिस्टम है, ये कटोरी की तरह सेब है, और ये हमारा गड्ढा साइड है, और बीच में अंदर यहाँ पे गड्ढा सिस्टम है। अब बटन अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। देखिए ये गड्ढा सिस्टम है हमारा, ये हमारा ऊपर को रहेगा, ये हमारा ऊपर को रहेगा। देखिए हम इसी प्रकार लगा रहे हैं, देखिए 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 दोस्तों, ये हमारा जो कटोरी साइड है, हम इस प्रकार ऊपर को रख करके अब हमारा दूसरा डाई है, अब हमारा दूसरा डाई है, ये डाई है, ये हमारा ये डाई है हमारा, ये थोड़ा भगा हुआ वाला डाई है, क्योंकि ये हमारा दूसरा बटन, पहला वाला बटन जो लगा था, तो ये हम गड्ढा वाला डाई से लगाए थे। ये हमारा इस डाई में हमारा गड्ढा है, और इसमें हमारा थोड़ा बाहर साइड है। तो इस तरह हम दे करके
देखिए तो ये हमारा गड्ढा वाला डाई, हम गड्ढा वाला डाई नहीं है हमारा, हम ये हमारा ये इस प्रकार का डाई है। तो हम ये डाई से ये वाला बटन हम यहाँ इस प्रकार लगा देंगे, हमारा दो डाई लगता है। ठीक है दोस्तों, बटन को सही से बिठा लें, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो आपका बटन ख़राब हो सकता है। देखिए दोस्तों ये हमारा गड्ढा वाला डाई है, तो ये हमारा पहला बटन लगेगा, ये बाहर वाला, ये वाला बटन लगेगा, और अंदर का जो बटन लगाएंगे तो ये हमारा दूसरा डाई लगेगा, दो डाई होता है। ठीक है दोस्तों, एक पीस हमने लगा के दिखा दिया आपको, इसी तरह बटन लगता है। ये देखिए हमारा बटन लग चुका है, ये देखिए, देखिए दोस्तों इस प्रकार लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हमारा देखिए दोस्तों, हमारा कुर्ता इस प्रकार फिनिशिंग आया है, हमने बाजू पे भी बटन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।